हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकप्रो रिव्यूज़ पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑनर 7C का। इस मोबाइल फ़ोन में जो इसका डिस्प्ले है वो 6 इंच का है, IPS डिस्प्ले के साथ। बॉक्स के कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बॉक्स के निचली साइड पर कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले मॉडल दिया गया है, कलर दिया गया जो कि ब्लू है। रैम दी गई है 3 GB, रोम दी गई है 32 GB। उसके अलावा बॉक्स इस साइड पे कुछ IMEI नंबर लिखे गए हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले से सील ओपन कर रखी है देखने के लिए। मोबाइल को निकाल कर साइड पे करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है। सबसे पहले देखने में जो हमें सामने नज़र आता है वो है सिम इंजेक्टर टूल। उसके बाद वारंटी कार्ड है, जिसके ऊपर आई थिंक सो 1 साल की वारंटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वारंटी कार्ड को साइड पे करते हैं, देखते हैं इसके नीचे क्या है। तो इसके अंदर में आई थिंक सो हाँ, प्लास्टिक केस मौजूद है जो कि मोबाइल के बैक साइड पे लगेगा। ये वो नरम वाला नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक का केस है। और इसके अलावा कुछ पेपर वर्क मौजूद है जो कि मैनुअल है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइड पे करने से। इसके अलावा इसके अंदर चार्जर है जो कि आई थिंक सो फास्ट चार्जर नहीं है। जूम करते हैं, देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल, ये 1 एम्पीयर का चार्जर, यानी फास्ट चार्जर किसी हालत में भी नहीं है ये। उसके अलावा इसके अंदर, इसके नीचे माइक्रो USB चार्जर केबल है जो कि सिंपल USB चार्जिंग केबल आपके मोबाइल फ़ोन्स की होती है वो है। उसके अलावा सिंपल से इसके ईयरफोन्स हैं, यानी हैंड फ्री सिंपल मौजूद हैं जो कि 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ आती हैं। उसके अलावा देखें मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल को निकालते हैं इसके बाद मोबाइल का तफसील से देखते हैं इसके साइड्स पे क्या है। इस साइड पर इसके सिम स्लॉट है जो कि डबल सिम डलेंगी, और साथ में मेमोरी कार्ड है। निचली की तरफ माइक 3.5 mm ऑडियो जैक है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है, स्पीकर मौजूद है, और 2 माइक्रोफोन है इसके। और इस साइड पे एक इसका पावर बटन है, दूसरा वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और इस साइड पे कुछ भी नहीं है, एक सिंपल डिज़ाइन है। और देखते हैं इसके फ्रंट साइड पे जो, यानी फ्रंट कैमरा जो लगा हुआ है इसका, वो 8 मेगापिक्सल का है, प्लस फ्लैश लाइट मौजूद है। और काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका, फ्रंट भी 8 मेगापिक्सल का है। और बैक साइड पे इसके पास जो है वो हमारे पास 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके साथ फ्लैश लाइट मौजूद है। और बैक साइड पे एक और है कि इसमें माइक्रोफोन मौजूद है, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी अच्छी, यानी काफ़ी तेज़ सेंसर है। और इसको ऑन करके देखते हैं, मैंने पहले से ऑन किया हुआ है, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर मौजूद है, बैटरी कितनी है। और प्रोसेसर जो है 450 स्नैपड्रैगन 450 है ऑक्टा कोर के साथ, और बैटरी जो है वो 3000 mAh की मौजूद है। काफ़ी अच्छा टाइम निकाल जाती है बैटरी भी इसका। उसके अलावा चलिए कुछ कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, आप इंजॉय करें इसकी कैमरा शॉट्स जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन रिकमेंड करें, शेयर करें दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने, बेल आइकन को दबाइए। अल्लाह हाफिज़।